हमारे देश में ऐसी कई जगह मौजूद हैं जिन्हें न सिर्फ चमत्कारी माना जाता है बल्कि जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम आपको बताएंगे देश के अंदर मौजूद ऐसी जगहों के बारे में जो न सिर्फ अजब गजब परंपराओं की वजह से चर्चा में रहती है बल्कि वहाँ गहरी आस्था और पक्के विश्वास की मिसाल भी देखने को मिलती है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम गजब की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ साक्षी शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात के एक ऐसे गांव की जहां बसा है मिनी अफ्रीका। गुजरात में मौजूद एक ऐसा गांव जिसे मिनी अफ्रीका भी कहा जाता है। उस गांव का नाम जम्बूर है। इस गांव को अफ्रीकन विलेज के तौर पर जाना जाता है। दरअसल इस गांव के लोग अफ्रीकी लोगों की तरह दिखाई देते हैं। गिर के जंगलों में बसा ये छोटा सा गाँव अपनी संस्कृति की वजह से काफी चर्चा में रहता है। बता दें इस गाँव में सिद्धि आदिवासी बसते हैं और इनकी भाषा शुद्ध तौर पर गुजराती है, लेकिन इनका संबंध अफ्रीकी प्रजाति बंतु से भी है और ग्रामीण अफ्रीकी रीति रिवाजों को भी मानते हैं। शायद यही वजह है कि इसे मिनी अफ्रीका के तौर पर जाना जाता है। लोगों का कहना है कि गिर के जंगलों में अफ्रीकी शहरों की रिहाइश के लिए कुछ अफ्रीकी लोगों को उनके साथ यहाँ भेजा गया था। इन्हीं लोगों के वंशजों को आज यहाँ देखा जा सकता है और शायद इसी कारण से इसे मिनी अफ्रीका भी कहा जाता है। अब जानते हैं ऐसे गाँव के बारे में जहाँ के लोग सांपों के साथ रहते हैं। महाराष्ट्र के सेतपल नाम के गांव में सांप और इंसान एक साथ रहते हैं। जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है लेकिन सच है। राज्य के इस छोटे से गांव में हर घर में विशेष तौर पर सांपों के रहने के लिए जमीन में छेद रखा जाता है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ लोग अपने घरों में सांपों के साथ रहते हैं और ये कोई मजबूरी नहीं है बल्कि ये लोग सांपों को पालते हैं और उन्हें घर के सदस्यों के जैसे मानते हैं। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इस गांव में बड़ी संख्या में बेहद जहरीले कोबरा प्रजाति के सांप भी रहते हैं, लेकिन खास बात यह है कि सांप लोगों को कभी नहीं डसते और ना ही गांव के लोग सांपों को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। इस गांव को लोग देवस्थान मानते हैं और सांपों को देवों की तरह पूजते भी हैं। अब बात करते हैं ऐसे गाँव की जहाँ किसी घर में दरवाजा नहीं है। महाराष्ट्र राज्य में एक ऐसा गाँव मौजूद है जहाँ किसी भी घर में दरवाजा नहीं है। दरअसल शिंगणापुर में भगवान शनिदेव का पौराणिक मंदिर मौजूद है। शनि के भक्तों के लिए ये जगह बेहद अहम और पूजनीय है। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ किसी भी घर या दुकान में कोई दरवाजा नहीं लगाया। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ अगर कोई चोरी करता है तो वह शनिदेव के प्रकोप से नहीं बच सकता। शायद यही वजह है कि यहाँ कभी चोरी की वारदात सामने नहीं आती। अब बात करते हैं लैंड ऑफ ट्विंस की। ये एक ऐसा गांव है जहां सिर्फ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। केरल का ये गांव एक ऐसी अनोखी चीज के लिए मशहूर है जिसे लेकर कोई भी वैज्ञानिक कारण साफ नहीं हो सका। दरअसल इस गांव में सिर्फ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। शायद आप विश्वास ना कर पाए लेकिन ये सच है कि केरल के मलप्पुरम के इस गाँव के सभी परिवारों में सिर्फ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ऐसा क्यों होता है इसे लेकर कोई वैज्ञानिक तथ्य तो साफ नहीं हो सका, लेकिन लोग इसे ईश्वर का तोहफा मानते हैं। बता दें इस गांव में करीब 400 जुड़वा बच्चे अभी तक पैदा हुए हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में यहां एक साथ 3 बच्चों के पैदा होने की घटना भी लगातार बढ़ रही है। इस जगह को लैंड ऑफ ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और गजब की बात के साथ। नमस्कार।